क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने उन सबको इंटेलेक्चुअल कहा है जो रात में कर्फ्यू लगाने के फैसले पर सवाल करते हैं। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। प्रधानमंत्री को भी बताना चाहिए कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं, मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू काम नहीं कर रहा है। नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना के केसेस पर फर्क पड़ेगा? चुनाव में तो पड़ नहीं रहा, यहाँ कहाँ से पड़ जाएगा? चुनाव में तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना है। जहाँ चुनाव है वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा है, जहाँ पे चुनाव हुआ है वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा रखे? ये बात ही है, वहाँ कर्फ्यू नहीं है तो नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि चुनाव में एहतियात बरता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मास्क में नहीं थे, नड्डा साहब भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, क्या इन्हें भी याद दिलाने के लिए नाइट कर्फ्यू का नाम कोरोना कर्फ्यू करना होगा? ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जब इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का काम भूल जाए तो उसे याद दिलाने के लिए कर्फ्यू का कौन सा आइटम पेश किया जाए? मुंबई में टीका देने के 71 केंद्र बंद करने पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में तो यह भी लिखा है कि आगरा के 227 टीका केंद्रों में से 200 केंद्र बंद हो चुके हैं। ओडिशा ने भी बताया कि 700 केंद्रों पर दो दिनों से टीकाकरण बंद है। नोएडा के कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। जिन चुनिंदा सरकारी केंद्रों पर टीका उपलब्ध है वहाँ जबरदस्त भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, लोगों को वैक्सीन के लिए 8 से 9 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन गृह मंत्री तक शायद ये हकीकत नहीं पहुंच रही, क्योंकि उनका कहना है कि राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है ठीक बात नहीं है, सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। टीका नहीं है यह एक फैक्ट है, नहीं होने की बात से इनकार करना पॉलिटिक्स है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? लोग तो मना ही रहे हैं, टीका लेने के बाद फोटो खिंचाते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, ट्विटर पर डालते हैं। अब इससे ज्यादा क्या करें? क्या उन्हें अब भंडारा भी करना होगा? एक अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि सबको टीका नहीं दे सकते, तो फिर उत्सव का क्या तुक है? यह कैसा उत्सव है? जिसको मिला है वो झूमेंगे, जिसको नहीं मिल रहा है वो उत्सव का कवरेज देखेंगे। लोग खुद ही वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, लोगों को करना ही पड़े। अगर वायरल वीडियो ना हो तो वह भी पता ना चले कि दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहा है। यह संकट पत्रकारिता का भी है। न्यूज रूम में रिपोर्टर नहीं है, चैनलों में केवल एंकर बचे हैं जो दिन में ट्विटर पर सरकार का प्रोपेगेंडा करते हैं और शाम को डिबेट।